तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज था कि सर सब चीज बता दिए, लेकिन एक ओटी असिस्टेंट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि ओटी असिस्टेंट का कितना कॉलेज है और किस कॉलेज में कितना कितना सीट है। देखिए, ओटी असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जो होता है, बहुत अच्छा कोर्स होता है, इसमें जॉब बड़ी जल्दी लगती है। देखिए, एक बहुत लोगों के ये डिमांड होता है कि सर ओटी असिस्टेंट कर लेंगे तो क्या रोजगार मिल जाएगा। देखो बाबू, बता देते हो, ओटी असिस्टेंट कर लेगा ना तो रोजगार आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन आप खुद का कोई रोजगार नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ये ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों का असिस्टेंट होते हैं, सहायक अब बनिएगा तो कहीं आप ये हॉस्पिटल खोल नहीं सकते, जॉब लगेगी और जॉब की वैकेंसी हमेशा आती रहती है, ठीक है। ओटी असिस्टेंट का जो टोटल कॉलेज है वो है पीएमसीएच पटना, जिसमें टोटल 25 सीट है ओटी असिस्टेंट वालों के लिए, ठीक है। डीएमसी लहरिया सराय, जहां पे 25 सीट है ओटी असिस्टेंट वालों के लिए। जेएलएनएमसीएच भागलपुर, जहां पे 15 सीट है। एनएमसीएच पटना 20 सीट है। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर 15 सीट। एएनएमसीएच गया 15 सीट। बीएमआईएमएस आपका 15 सीट है। जीएमसी बेतिया में 15 सीट है। सदर हॉस्पिटल हतवा गोपालगंज में भी 60 सीट है। पीएमआई सदर हॉस्पिटल सहरसा में 60 सीट है और ओल्ड सब डिविजनल खगड़िया यहां भी 60 सीट है और सदर हॉस्पिटल चंपारण, ईस्ट चंपारण, यहां भी 60 सीट है। ईस्ट चंपारण और आपका वेस्ट चंपारण दोनों में सीट है। ईस्ट चंपारण में कितना, 60 सीट है और वेस्ट चंपारण में मात्र 15 सीट है। कटिहार में भी 60 सीट है और हॉस्पिटल घोसी जहानाबाद यहाँ 60 सीट है। टोटल अगर देखा जाए कॉलेज पूरे बिहार में ओटी असिस्टेंट के लिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 कॉलेज है, ठीक है। आप यहाँ पे समझिए कि सारे कॉलेज का अगर इतना सीट दिया गया है तो टोटल सीट कितना हुआ, अगर जोड़ लिया जाए टोटल, कि पूरे बिहार में ओटी असिस्टेंट का टोटल जो सीट होगा वो 520 सीट होगा। टोटल कितना सीट होगा, तो टोटल सीट होगा 520 सीट होगा। पूरे बिहार में 520 सीट है मात्र ओटी असिस्टेंट में, जिसमें गर्ल्स भी है बॉयज भी है। अगर कैटेगरी वाइज अगर देख लो यहाँ पे कि सर, अगर हम देख ले यूआर वालों के कितना सीट होगा, ईडब्ल्यूएस वालों का कितना सीट होगा, एससी वालों का, एसटी वालों का, ईबीसी वालों का, बीसी वालों का, आरसीजी वालों का कितना कितना सीट जो है होगा, तो सबको समझिएगा। यूआर वालों के लिए कितना सीट होगा, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, ईबीसी, बीसी और आरसीजी। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात कर ले कैटेगरी वाइज अगर देखें, तो यूआर वालों के लिए 520 सीट है ना टोटल जी, टोटल 520 सीट में यूआर वालों के लिए मात्र जो है 208 सीट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मात्र 54 सीट है। पूरे बिहार में, पूरे बिहार में 520 सीट है, इसी 520 में जनरल यूआर वालों के लिए मात्र 208 को रखा गया है। और एसी वाले की अगर हम बात कर ले तो एसी जो में जो आते हैं कैटेगरी, उनके लिए 83 को सीट है। और पूरे बिहार में देखिए एक ही चीज की कमी होती है कि पूरे बिहार में एससी वाले, एसटी वालों के लिए सीट कम होता है, बहुत कम होता है, जबकि इसके अपेक्षा ईबीसी में देखा जाए तो ज्यादा होता है। यूआर के बाद ईबीसी वालों को ही ज्यादा दिया जाता है सीट वगैरह, इसलिए बहुत लोग यहाँ पे कहते हैं कि सर जो है सीट हम लोगों का कम होता है, कितना लाना चाहिए, तो जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका ना उतना बेहतर होगा। बीसी वालों को अगर देखा जाए पूरे बिहार में तो मात्र 63 सीट है और रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स में आते हैं उनके लिए मात्र जो है 15 सीट है। तो पूरे बिहार में मात्र इतना ही सीट है और इतना ही सीट पर जो है आपको पूरे एग्जाम मेहनत से तैयारी करना है ताकि आपको इतना सीट में ही एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।